परिचय ग्राम श्री हमारे पाठ्यक्रम क्षितिज भाग एक से ली गई है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव मैनसन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा ग्रंथी गुंजन, ग्राम्य पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के लिए चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। ग्राम श्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहरी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फूल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता। कविता पाठ। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नक्का चीर निर्मल नील फलक। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिणियां हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तेलाक दंत फूली सरसों पीली पीली, लो हर धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सक्या मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी छिमिया छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हों फूल स्वयं उड़ उड़ वृतों से वृतों पर। अब रजत वर्ण मंजीरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल होठ ही कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झर बेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िमी आलू गोभी बैंगन मूली। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर अमली सी तरु की डाल झड़ी। लह लह पालक मह मह धनिया लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपच्छाई तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। हसमुख हरियाली हिम आतब सुख के अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। कविता की व्याख्या। कवि गांव के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि खेत में दूर तक फसलों की हरियाली मखमल की तरह प्रतीत हो रही है। उस पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी देखकर लगता है कि फसलों के ऊपर चांदी सी जाली नुमा परत बन गई हो। घास को देखकर लगता है जैसे हरा वस्त्र हवा में हिल रहा है। धरती को देखकर ऐसा लगता है कि सांवली धरती पर नीला आकाश झुका हुआ है। कवि को लगता है कि धरती ही रोमांचित है।
तभी तो विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे लहलहा रहे हैं। कवि कहता है कि गेहूं और जौ की फसल में बाली आ गई है, अरहर और सनई में भी फल आ चुके हैं। पूरे वातावरण में सरसों के फूल की वजह से तेल जैसा महक रहा है। पूरी धरती ही हरियाली से भरी है। तीसी के नीले नीले फूल भी शोभा बढ़ा रही है। कवि यहाँ मटर की लत्ती के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि उसके फूलों पर तितलियाँ मंडरा रही हैं। मटर के पटरों में बीज भरे हुए हैं और जब हवा का कोई झोंका आता है तो सभी डालियाँ एक दूसरे को छूते हैं। उसे देखकर लगता है कि वो खुशी में झूम रहे हैं। आम के पेड़ की डाली मंजरों से लदी लगता है कि वो मंजर नहीं सोने और चांदी के मंजर हैं। पीपल के पत्ते झड़ रहे हैं और नए नए पत्ते आ रहे हैं। आस माहौल में कोयल तो जैसे मतवाली हो गई है। जंगल में उगने वाला झड़बेर भी फसल देने लगा है। साथ ही आड़ू में फूल आ गए हैं। नींबू आलू गोभी आदि के फसलों में मौसम लहलहा रहा है। कविता की व्याख्या। कवि कहता है कि अमरूद इतने पक गए हैं कि उस पर लाल लाट धब्बे पड़ गए हैं। बेर पककर सुनहरे रंग का हो गया है। आंवले से तो पूरा डाल भरा है। पालक के पत्ते लहलहा रहे हैं। इसी तरह धनिया की महक आ रही है। सेम लौकी पूरे जमीन पर फैली है। टमाटर मखमल की तरह लाल हो गए हैं और मिर्च के पौधे हरी थैली की तरह लग रहे हैं। गंगा के सतरंगी रेत पर हवा की वजह से ऐसा प्रतीत होता है जैसे बालू में सांप पड़े हो। गंगा के तट पर तरबूज की शानदार खेती हो रही है। पास ही कोई बगुला अपने पंजू से कलगी सवार रहा है। पानी में सुरखाब तैर रहा है और किनारे अलसाए से मगरमच्छ पड़ा है। कवि कहता है कि जाड़े की धूप में हरियाली अलसाकर ऐसे सोई है जैसे आधी रात में सपने में खोया हो। जाड़े का मौसम जा रहा है और वसंत का आगमन हो रहा है। ऐसे में नीले आकाश के नीचे गांव ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जवाहरातों का कोई डब्बा खुला हो और इसका सौंदर्य का आकर्षण लोगों के मन मोह रहा है। सारांश। तो बच्चों, आज हमने देखा